जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और बात करने वाले हैं कर्जा मुक्ति अभियान, जो शहनवाज चौधरी भारती जी ने शुरू किया था। 2 सालों से ये अभियान लगातार यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह जारी देखने के मिला था। स्टार्टिंग में भी आपने क्लिप देखी थी, वो भी उसी अभियान का एक हिस्सा है जो अभी तक चल रहा है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि जनता का कर्जा माफ किया जाए और जनता का माफ करना पड़ेगा। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? 10 लाख से भी ज्यादा लोग हैं जो उनके साथ जुड़ चुके थे और उन्होंने उनसे अपील की थी कि जो जनता का कर्जा है, जो छोटे गरीब परिवार है जिनके पास खाने के पैसे नहीं है और उनको कंपनी वाले, बैंक वाले ऑनलाइन या ऑफलाइन परेशान कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के कर्ज को माफ कर दिया जाए ताकि उनका जीवन जो है वो सुरक्षित और अच्छे से बीत सके। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कोई कर्ज जो है वो जानबूझ के लेता है और नहीं देता है। किसी किसी के साथ ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि वो चाह कर भी पैसा वापस नहीं कर सकता। किसी की तबीयत खराब हो गई, मेडिकल इशू आ गया, किसी के घर में कोई बीमार पड़ गया या फिर किसी का कुछ ऐसा सिचुएशन बन जाता है जिसके बाद उसको फाइनेंशियल तौर पे क्राइसिस आने के बाद कर्ज लेना ही पड़ता है। तो ऐसी कुछ स्थिति में 10 लाख लोग अभी भारत के जूझ रहे हैं। और अब आगे आप लोगों को क्या करना है, या आप लोग मेरे चैनल से हैं या फिर उनके चैनल से हैं, क्योंकि अभी देखने के लिए ये भी मिला है रिसेंटली कि उनके चैनल को यूट्यूब से अब हटा दिया गया है। अब क्यों हटाया गया इसका कारण उनको भी नहीं पता है, और लेकिन हम लोग अच्छे से जानते हैं क्योंकि उन्होंने गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, इस वजह से उनके चैनल को हटा दिया गया। लेकिन ये अभियान अब कहाँ तक पहुँचा है, काफ़ी लोगों को कर्ज मुक्ति प्रमाण पत्र भी दिया गया था, अब क्या वो वैलिड होगा कि नहीं होगा, ऐसे मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेज और लगातार कॉल किया है पिछले 10-12 दिनों में, काफ़ी लोगों ने ये मुझसे पूछा। तो मैं इसी टॉपिक पर ये वीडियो आप लोग के लिए लेकर आया ताकि आप लोगों को मैं क्लैरिटी दे सकूं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो अभियान रुक गया है या बंद हो गया है। अब है 2024 और मैं ज़्यादातर पॉलिटिक्स से अपने चैनल को दूर रखता हूँ और हमेशा कोशिश करूँगा दूर रखने की भी, लेकिन ये अपील मैं आप लोगों के लिए करना चाहता हूँ क्योंकि ये अपील जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी उतना ज़्यादा बेहतर होगा। तो वो अपील क्या है, देखिए, जैसे हम लोग हर चीज़ की डिमांड करते हैं कि बिजली मुफ्त हो जाए या बिजली के जो दाम है वो कम हो, सिलेंडर गैस के दाम है वो कम हो या पेट्रोल के दाम को कम किया जाए, या ऐसे ही बहुत सारी डिमांड्स होती है जो हम लोग हमेशा करते हैं सरकार से। इसी तरीके से सरकार से एक और डिमांड करनी चाहिए कि जो हम लोगों का कर्ज है उसको फिलहाल के लिए माफ कर दिया जाए या हमें इतना समय दिया जाए ताकि हम इसका पेमेंट आसानी से धीरे धीरे कर सकें। एक बार में इतना पैसा हम लोग जमा नहीं कर सकते। कुछ ऐसी डिमांड आप लोग या हम लोग मिलके कर सकते हैं पूरी तरीके से यूट्यूब पर या फिर और जगह, अगर आप वायरल करते हैं ऐसी बातों को। और इसको खास खास करके आपको ध्यान ये रखना है कि जो इलेक्शन होने वाले हैं 2024 में, मैं सभी लोगों से ये जरूर से जरूर अपील करना चाहूँगा कि उस इलेक्शन को आप बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले। वो हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल दे। अपने आसपास या ऐसे नेता को चुने या देखे या ऐसे नेता को अपने जाके समस्या बताए कि देखिए ऐसी ऐसी दिक्कतें आ रही है, इसका भी कुछ निदान लाया जाए तभी हम आपको वोट करेंगे। वो वोट लेने के लिए आपके पास ज़रूर आएंगे, भले ही छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो, कोई ना कोई तो ज़रूर आएगा। तो उनके माध्यम से आप उनको ये ज़रूर बताएंगे कि ये समस्या भी काफ़ी बढ़ी है और भारत के अंदर में काफ़ी लोग हैं ऐसे जो अभी तक इसमें फंस चुके हैं। 10 लाख तो ऐसे लोग हैं जिनको कर्ज मुक्ति अभियान के द्वारा उन्होंने जुड़ जुड़ा था, और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन नहीं आते होंगे, वो ऑफलाइन ही रहते होंगे तो वो तो जुड़ भी नहीं पाए। तो अगर हम लोग बात करें तो ये समस्या छोटी मोटी नहीं है। और अब बात करते हैं कि क्या कर्ज सच में माफ़ होगा, क्या सरकार सबके कर्जे को माफ़ कर देगी। तो अगर मैं यहाँ से सही सोच पा रहा हूँ या सही देख पा रहा हूँ तो सरकार जो है बड़े बड़े बिजनेसमैन के, बैंक वालों के जो कर्जे होते हैं उन सभी को माफ़ कर देती है, लेकिन जो छोटे छोटे लोग हैं जो कि बस खाते हैं और पीते हैं और खुश रहना चाहते हैं, उनके कर्जों को जल्दी माफ़ नहीं करती है, उनसे वसूली कराती है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है या मैं पहली बार बोल रहा हूँ, ऐसा मैं हमेशा से आपको बोलता आया हूँ। सरकार भले ही किसी की भी क्यों ना रहे, वो छोटे मोटे लोगों के कर्जों को जल्दी माफ़ नहीं करना चाहती है। लेकिन बैंक के भी कुछ नियम हैं, RBI के भी कुछ नियम हैं, उन सभी को पालन करते हुए अगर आपने पर्सनल लोन लिया है तब आपसे कोई रिकवरी नहीं कर सकता। लेकिन अगर वही जमीन जायदाद पे आपका लोन है या फिर गाड़ी घोड़ा पे लोन है तो उसको फिर आपको नीलामी कर दिया जाएगा, आपकी वहाँ पे एक बात भी सुनी नहीं जाएगी, आप कितना भी वहाँ पे बोलेंगे कुछ भी वहाँ पे माना नहीं जाएगा, कुछ भी मान्य नहीं होगा। समय मांगेंगे, समय भी नहीं दिया जाएगा, वो लोग अपने हिसाब से नीलाम कर देते हैं। तो
ऐसी परिस्थिति पूरे भारत में बनी हुई है और काफी लोग इससे परेशान हैं कि कुछ इसका निदान जल्द से जल्द किया जाए। तो देखते हैं कि क्या भारत सरकार द्वारा ये किसी भी के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा भी इस पर एक दो बार प्रतिक्रिया की गई है कि जो लोन रिकवरी का एजेंट है या लोन रिकवरी के जो तरीके हैं उसमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, ताकि जो बैंक है वो छोटे मोटे गरीब लोगों को परेशान ना करे या जो फंसे हुए हैं उनको दलदल से बाहर निकलने की कोशिश करें, ना कि और दलदल में उनको धकेले। तो ऐसा कुछ भी प्रयास किया जा रहा है, अब देखिए फिलहाल क्या होता है नहीं होता है, वो कुछ भी कह पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। 2024 की शुरुआत हो चुकी है और इस अभियान को अभी तक जारी रखा जाएगा। अब देखते हैं 2024 में क्या ये डिमांड सरकार तक पहुंच पाती है। अगर हमारी बात सरकार तक पहुंचती है कि जो गरीब लोगों हैं, जो छोटे परिवार हैं, उनके कर्ज को माफ़ किया जाए, तो फिर हो सकता है कि कुछ सरकार इस पर ज़रूर एक्शन ले। इसके लिए आपको और हमको दोनों को साथ में मिलकर काम करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सपोर्ट चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल है। अगर सपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना से उतना ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने परिवार वालों में, ताकि फैलाया जा सके और इस बात को सरकार तक पहुँचाया जा सके। तो चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में और मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।